हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि CITS का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, इसके पीछे का रीजन आप लोगों को जानना चाहिए कि आप लोग भी परेशान हैं और भी सभी लोग परेशान हैं कि CITS का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक साल अगर कोरोना नहीं रहता तो आपका अभी तक सेशन स्टार्ट हो गया होता, आपकी क्लासेस चलने लगी होती है। आप अभी इस समय NSTI कॉलेज या CTI कॉलेज में कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात फंस रही है कि इस साल इतना लेट क्यों हुआ है। तो आप सभी ये जान ही रहे हैं कि कोरोना के वजह से लेट हुआ है, लेकिन रीजन वो तो है ही, साथ ही साथ एक और रीजन है कि दोस्तों अभी तक जो CITS रिजल्ट अब तक नहीं आया है, इसके पीछे एक कारण और भी है कि जो पिछले बैच है यानी कि जो CITS रिजल्ट 2020 का आप दिए हैं, इससे पहले CITS का जो स्टूडेंट है 2019 से 20 सेशन वाले, उनका अभी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो जब तक उन लोगों का एग्जाम नहीं हो जा रहा है तब तक आप लोगों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। रिजल्ट निकलेगा, काउंसलिंग भी होगी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए रोक देगा, इसलिए रिजल्ट में देर अभी तक लगाया है। नहीं तो अभी तक आपका रिजल्ट काफी पहले ही निकल गया होता, एक दो दिन पहले ही निकल गया होता। लेकिन देखिए आपको काउंसलिंग कब तक ले जाएगा, देखिए मैं बता दूं कि जो 2019 और 20 सेशन वाले स्टूडेंट है उनका एग्जाम दो बैच में बांटकर कर रहा है। हालांकि सबका एक साथ ही कर दिया होता, लेकिन कोरोना की वजह से दो बैच में बांट दिया है, जिसमें फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच। फर्स्ट बैच के अंतर्गत जो आते हैं इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और DMM और स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सभी ट्रेड वगैरह हैं। और बैच सेकेंड में मैकेनिक, मोटर व्हीकल, फिटर, टर्नर और ये डीजल मेकिंग, ये सभी सेकेंड बैच में उनका पेपर होने वाला है। तो 10 अक्टूबर से इनका पेपर होगा, फर्स्ट बैच वालों का जो चलेगा आपका 10 से 17 18 तारीख तक चलेगा। फिर 19 तारीख यानी कि 19 अक्टूबर को सेकेंड बैच को बुलाया जाएगा, उनका एग्जाम जा रहा है, अक्टूबर में बुला रहे हैं, तो इनका एग्जाम 13 नवंबर को खत्म हो रहा है। यानी कि आपको कॉलेज में एडमिशन तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक ये फाइनल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि CITS के पास जो हॉस्टल है वो खाली नहीं होगा, खाली ही नहीं होगा। जो कि CITS 2019 और 20 के स्टूडेंट है वो हॉस्टल खाली ही नहीं करेंगे, तो आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा, एडमिशन मिलेगा ही नहीं, सीट है ही नहीं, तो वो देंगे ही नहीं अभी। तो इसलिए आप वेट करिए, जैसे इनका एग्जाम हो जाएगा तो आपका रिजल्ट और काउंसलिंग सभी हो जाएगा। तो उम्मीद रखिए आपको नवंबर तक ये खींच कर ले जाना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को जो लग रहा है कि सर अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्यों डिले हो रहा है इतना, तो रीजन में यही है कि CITS 2019 और 20 के जो लड़के हैं अभी तक ये फाइनल नहीं हुए हैं। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस खींच कर ले जाएगा 15 नवंबर 16 नवंबर तक ले जाएगा, यानी कि नवंबर तक आपका एडमिशन होगा और नवंबर लास्ट तक आपको वहां पे रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने का मतलब कि आप जाके क्लास ले पाएंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस चलने लगेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोगों का क्लास में लंबा समय जा सकता है क्योंकि CITS का जो लास्ट टर्म है वो जून जुलाई तक फाइनल कर लेता है और अगस्त से अपना 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार का जो सेशन स्टार्ट होगा नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआत में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सब्र रखिए, रिजल्ट भी आएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा इन सब में। ओके, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं बस यही बताने के लिए आया था कि आप थोड़ा सब्र रखिए, आपका रिजल्ट भी आएगा, काउंसलिंग भी होगा, लेकिन हर साल की अपेक्षा थोड़ा क्या होगा, इस बार की प्रोसेस थोड़ी लंबी ले जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कोरोना की वजह से सारे सिस्टम बिगड़ चुके हैं, जो भी सिस्टम इसका बना था वो बिगड़ चुका था। नहीं तो ऐसे तो क्या होता था, 1 अगस्त को स्टार्ट होता था और जून जुलाई जुलाई तक ये फाइनल कर देता था पिछले बैच वालों को, लेकिन इस बार ये नहीं कर पाया कोरोना की वजह से।